लड़ाई करने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए रतनलाल उठा साजू भाई शादी को कर लगा मेरा बच्चा तो कलेक्टर बनना चाहिए तो हमारा ब्राइट स्टूडेंट अब कलेक्टर बनेगा तो लीडर कौन बनेगा कौन बनेगा लीडर बनेगा लीडर तो बाबा साहब कोलंबिया में पढ़े इंग्लैंड में पढ़े और हम लोग अपना बच्चा को इसमें से जो लीडर बनाना चाहते हैं हम भी एक हर सभा में मैंने कहा कि हमको कम से कम 100 ऐसे लोग चाहिए जो बड़ा साहित्यकार हो अमरसेन हो रमला ठाकुर हो कृपान हुई हो ऐसे लोग चाहिए लिखने पढ़ने बोलने वाले अरुंधति राव जैसे चाहिए तो जो लीडर विभाग लिखे हम लोग नहीं तैयार करते हम लोग होमवर्क नहीं कर रहे और मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे दो बच्चे और मैं कुछ नहीं कहता हूं सिर्फ वो स्टीफेंस या कटर दिखा देता हूं स्टीफेंस कॉलेज या गेट दिखा देता हूं देख लो कैसे जाना है बिना रिजर्वेशन के और वहां से ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज कोलंबिया कैसे जाना है तुम तय करो तुमसे हमको नौकरी नहीं करवानी कहां से आएगा हमारा आइडियोलॉजी हम ही लोग बनाएंगे ना हमारे घर से ही आएगा कोई अवतार विश्वास करने के बाबा साहब अवतार लेंगे और हमारा सेवियर बनेंगे और हमको मुक्त करेंगे तो ये मुगालते बना रही है गलतफहमी ये छोड़ दीजिए विडंबना ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अकेले और अकेले लड़के सबको अधिकार दिया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हजारों जातियों को जमात में बदला महिलाओं के प्रश्न में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज इतने एमपी होके सैकड़ों विधायक होके मंत्री होके कलेक्टर होके फलाने इंजीनियर होके और आपके आंखों के सामने आपसे सब कुछ छीना जा रहा है और कोई आंदोलन नहीं होते सब छिन गया अब बचा नहीं है जितना कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन हो रहा है निजीकरण हो रहा है तो वहां क्या रिजर्वेशन आपको मिलेगा मोदी साहब पहले बोले मैं पिछड़ा हूं इस इलेक्शन में बोले अभी पिछड़ा हूं तो भाई अभी पिछड़ा लोग पिछड़ा साल मोदी जी के लिए खुश हो जाओ उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आया ओबीसी है कोई रिजर्वेशन हमने देखा है वो तो संजोग मनाइए हम लोगों ने कम से कम रोस्टर के इशू पे भारत बंद कॉल दिया और कई पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे जिसकी वजह से हम लोगों ने रोस्टर की लड़ाई जीत पाए की लड़ाई हम लोग जीत भाई बाबा साहब कहते हैं जाति और राष्ट्र विरोधी है ये बात तो सही है लेकिन जाति खत्म कौन करेगा सबसे पहले तो ऊपर जो बैठा हो वो न्यायपालिका कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव तो उसने तो खत्म नहीं की उसके बाद हम लोग तो हम लोग भी आपस में जात का खेल रहे हैं पढ़े लिखे लोग मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं तो हम जब जाति आपत की आपके खत्म करने से जाति खत्म नहीं हुई कंफ्यूजन नहीं पाते कि जाति उसी दिन खत्म होगी कि जो सत्ता के शीर्ष से हुक्मरान बैठे हुए हैं पढ़े लिखे ब्राह्मण ने जाति बनाई थी कोई निर्धन गरीब ब्राह्मण ने थोड़ी बनाया तो पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग जब जाति को खत्म करेंगे उन्मूलन जब उनको लगेगा कि जाति से हमें घाटा हो रहा है तो जाति का उन्मूलन वो शुरू करेंगे तब उन्मूलन खत्म ये खत्म अगर गरीब मजदूर कहे पैसा चला कि नहीं मैं पूंजीवाद खत्म कर दूंगा तो उसे खत्म हो गया कि बिल गेट्स बोला है कि मैं दे रहा हूं पैसे भाई समाज का अंतर हो तो आप जाति नहीं खत्म कर सकते उसमें टाइम नहीं बच सकते लेकिन जाति के अंदर वैज्ञानिक चेतना पैदा है ये नहीं हो कि फटिक अंबेडकरवादी पहलवान अंबेडकरवादी रजक अंबेडकरवादी तो जाटक अंबेडकर साहब अभी होते तो पता नहीं होगी कितना लोग उनके नाम का क्या भेजा इस्तेमाल हुआ है तो साथियों बहुत सारी बात देखिए बहुत विकट समय आने वाला है इतिहास से छात्र होने के नाते में विजुलाइज करें कि बहुत विकट है और मुझे और जो लोग संपन्न लोग हो गए हैं उनको सरकारी नौकरी से निकाल कर उनको सीए पढ़वाइए एमबीए करवाइए उसको इंडस्ट्रीज बने हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं सीए नहीं बताइए हमको नाम बताइए पांच सीए का तो जहां पर नॉलेज का प्रोडक्शन होता है जहां इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपने वाइस चांसलर का भी पूछा अभी सही से सर्वे करा ले तो 50,000 रुपए कैंडिडेट नहीं होंगे भाई पूरे भारत में कह रहा 50 नहीं होंगे तो हमें पहले ह्यूमन रिसोर्स बनाने पड़ेंगे संसाधन में हिस्सेदारी की बात तब
की जाए। तो साथियों मुझे ये कहना है कि अपने निजी स्वार्थ थोड़ा और जिताएंगे, कितना भी स्वार्थ कुछ कर लेंगे तो आप अभी मुकेश अंबानी नहीं बन पाए, माल्या नहीं बन पाए, अभी उतना आपका नहीं है। तो आप अपने घर जितना भी बुलेट प्रूफ बना ले, जिस दिन पूरे शहर में बम गिरेगा उस दिन आपके घर भी नहीं बचेगी, याद रखिए। तो जब मनुवाद का हमला पूरे जमात पर है तो आप समझ रहे होंगे मुझे फलना अंकल जानते हैं, ये फलना भैया जानते हैं और फलना ये करते हैं वो करते हैं, वो मंत्री के कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ। कोई ऐसे ऐसे ओबीसी मिनिस्टर कह दे अपने बगैर अपने आकाश से पूछे हुए कि मेरा एक कैंडिडेट है मेरे कहने पे अपॉइंटमेंट होगा, थोड़ा मैनिपुलेट करने सिलेक्शन करने की मैं नौकरी इस्तीफा दे दूंगा, ये तो इनकी हैसियत है, मैं जानता हूँ। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी नहीं लगवा सकता, तो बहुत कठिन सर, थोड़ा थोड़ा सब लोग माइंड आए, हम लोग आपस में मैच खेल रहे हैं, आपसे बड़ा मैं क्रांतिकारी, वो कह रहा आपसे बड़ा मैं क्रांतिकारी, सोशल मीडिया में आपको सर्टिफिकेट ही बढ़ता है, हम ही लोग कहता है कि आप माँ पूजा कर गए थे, मैं गए मिठाई खाए खाएंगे भी क्यों नहीं, वो सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है, हम माने चाहे नहीं माने कोई मंदिर से आएगा और यहाँ मुझे मिठाई देगा खा, इतना शुद्धता वाली अगर बनना है तो घर में रहिए। 51% सहमति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिबरल वैल्यूज में बिलीव करते हैं, वो अगर कोई आ रहा है आपकी माँ अगर पूजा करती है घर में आप नहीं कर, मैं तो नहीं करता, मैं तो नास्तिक आदमी हूं, लेकिन आपके घर में आपकी माँ पूजा करती है मान ली, तो एक दिन में क्या करेगा, डंडा लेकर उसको ठीक कर देंगे, नहीं मत करो। अरे पूजा पूजा का अंतर समझिए, आपकी माँ पूजा इसलिए करती है कि मेरा बेटा को जल्दी नौकरी मिल जाए, वो स्वास्थ्य रहे, मेरा घर परिवार ठीक रहे, मेरा पति दीर्घायु ठीक ठाक, इसके लिए पूजा करती, वो दंगा कराने के लिए पूजा नहीं करती, इस अंतर को आप क्यों नहीं समझते। तो सबको एक ब्रैकेट में बांधेगा, एक दिन में समाज एक केमिस्ट्री का लैब नहीं होता है, एक दिन दो केमिकल मिला है एक सेकंड में रिएक्शन होता है, समाज को बदल देना है, घर परिवार को बदल देना है। मैं नहीं घर में पूजा करता, आप क्या करते, मेरी शादी में मेरी पत्नी ने कहा कि मंदिर ला दो, मैंने प्रेम के ला दू, लेकिन मैंने जरूर कहा कि मैं वो परिस्थिति पैदा कर दूंगा कि वो मंदिर पर ना धूल रखकर इधर आ जाकर मेरे लिए तंगा तंगा, मेरे बच्चे नहीं मानते कुछ भी, मैंने यहाँ बाबा साहब की खाली मूर्ति हमें लगवाई थी, अरे पर उसे क्या लिखा हूँ नीचे, नथिंग इज मेड मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ वर्ड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये लिखा उसने। आप स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए आप सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, आरक्षण रहे ना रहे, जब आरक्षण नहीं मिला तो हमारे पुरखे जिए हैं और बहुत प्रभावी लोग हैं। तो साथियों लगता है मुझे मुझे लंबा टाइम ले लिया, एनीवेज मैं जरूर आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को लीडर बनाइए, सब लोग कहते हैं कि हमें देश का शासक बनना है, जयपुर निवासी ये करना है, लीडर बना दे किसको है, तो लीडर यूनिवर्सिटी में पैदा होता है, एडमिशन बैक में ड्रम नहीं यूनिवर्सिटी, इसीलिए यूनिवर्सिटी में इतना खतरा है और दूसरा अटैक हो रहा है कि आपके बच्चे आ रहे हैं भैया स्कूल में बैठकर बात कर रहे हैं, एडमिशन चुनौती दे रहे हैं, लीडर वहां पैदा होता है। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए और फ्यूचर को लीडर पढ़ाइए, मुझे लगता है कि समय जैसा है, हमें 1000 डॉक्टर अम्बेडकर और 1000 डॉक्टर कांतिराम की जरूरत है। शुक्रिया साहब, जय हिंद।